हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फ्रीडम्स ऐप. द ऐप इज वेरी मच अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, सो गो फास्ट एंड डाउनलोड. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डाउनलोड इट एज सून एज पॉसिबल. इसके बाद हम जो आपका नेक्स्ट वीडियो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू क्लास. So we are going to see in this class your first topic of part 2 science for class 10th, that is heredity and evolution. ये आपका part 2 का first chapter है जो कि सबसे important है और थोड़ा सा vast है क्योंकि हम इससे ही शुरुआत करने वाले आपके part 2 की. Okay, आपके सारे chapters इससे related होंगे इसलिए ये थोड़ा सा vast है. तो आपका topic का name है heredity and evolution. So let's understand what is heredity. So what is the meaning of heredity? Heredity या फिर हम बोल सकते हैं उसे hereditary changes. तो ये दोनों भी चीजें हमको पढ़नी है, heredity and hereditary changes. And hereditary changes. इससे पहले भी हमें कुछ पढ़ना है, उसके बाद हम ये हेरिडिटरी चेंजेस और हेरिडिटी देखेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. यू नो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस. फर्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ मेनली यू ऑब्जर्व दैट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पैरेंट सेल, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो होंगे आपके पैरेंट सेल से या पैरेंट से एग्जैक्टली सिमिलर, उनके जो प्रोजेनी होंगे. ओके द प्रोजेनी और यू कैन से योर ऑफस्प्रिंग और यू कैन से न्यू सेल विच इज फॉर्म्ड और रिप्रोड्यूस सेल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम योर पैरेंट सेल और मदर सेल, यू कैन से डॉटर सेल एंड मदर सेल ऑर्गेनिज्म. तो ये दोनों चीजें सेम सेम होती है, दिस बोथ आर सेम इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन टाइप्स ऑफ यू कैन से स्ट्रक्चरल बिहेवियर, यू कैन से स्ट्रक्चर बिहेवियर, ऑल दिस थिंग्स आर सेम, एग्जैक्टली सेम. बट डू यू सी द सेम थिंग इन द ऑर्गेनिजम्स विच अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आपके जो भी ऑर्गेनिजम्स है जिसमें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हो उसमें आप ऐसे सिमिलरिटी देखते हो क्या? नो, यू कैन नॉट सी एग्जैक्ट सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. व्हाट यू सी, यू सी ओनली सम टाइप ऑफ सिमिलरिटी, सम फॉर्म ऑफ सिमिलरिटी यू सी, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम. अंडरस्टूड? सो व्हाई डज दिस हैपन? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल. इस क्या क्यों होता है ऐसे, आपको डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है बच्चों? आपको अगर जो पेरेंट है उसका जो न्यू बॉर्न होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, चाहे वो जो भी सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा सा ही मिलता जुलता होगा. इट विल हैव ओनली वेरी लेस सिमिलैरिटीज, नॉट एग्जैक्टली सेम. ये होता है आपके किसके वजह से? जेनेटिक मटेरियल की वजह से. आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, what is your genetic material? Listen carefully. तो ये सारे चीजें आपके जो भी characteristic है किसी भी organism के, चाहे वो animal हो या plant हो या human beings हो, वो depend होता है आपके जो cell में present है उसके genetic material में. So whichever genetic material is present in the cell or in the nucleus of that organism give the specific property to it. Understood? So genetic material, तो आपको समझ में आया कि इसी की वजह से आपके जो भी characteristic है, अभी कौन से characteristics हम बोल सकते हैं, like you can take the characteristic of skin color, you can take the characteristic of hairs, structure of their hairs, either they have straight hairs or wavy hairs, eyeball color, okay, then skin color as I told you, or you can say facial characteristics, okay, various, even your, suppose you have same nature. हम ऐसे बोलते हैं ना कि अगर कोई, अगर हमने ऐसी फैमिली देखी उसमें हम ऐसे बोलते हैं कि ये
जिसके पापा पे गया, ये इसकी मम्मी पर गई है, ऐसे हम बोलते हैं. व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज देयर इज सम, यू कैन से, रिपीटेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. हम क्या बोल सकते हैं कि जो उसके पेरेंट में है, वो जो जेनेटिक मटेरियल था वो ट्रांसफर हुआ है, वो प्रोपेगेट हुआ है आपके ऑफस्प्रिंग में, इसलिए वो थोड़े से सेम दिखने की, या फिर थोड़े से वो सेम लगने लगते हैं. पूरी तरीके से सेम नहीं होते वो, एग्जैक्टली सेम नहीं होते. आप आपके पापा या मम्मी की जेरोक्स कॉपी हो क्या? बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलता है. इफ यू अपियर टू बी लाइक देम, बट एटलीस्ट यू कैन हैव द कैरेक्टरिस्टिक और नेचर डिफरेंट फ्रॉम देम. आपका नेचर डिफरेंट हो सकता है, वो भी जीन्स की वजह से ही होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही होता है. ओके, जीन्स और योर जेनेटिक मटेरियल. सो विच इज दैट परफेक्ट नेम फॉर द जेनेटिक मटेरियल इन साइड द न्यूक्लियस? दैट इज योर डीएनए एंड आरएनए. सो दिस टू मॉलिक्यूल्स और दिस टू थिंग्स आर नथिंग बट योर जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट सेल. आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ होंगे आपके जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए से. सो व्हाट इज डीएनए फुल फॉर्म? इट इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड. Now, okay, my dear students, so we are going to see that your DNA and RNA, they are the genetic material. They are present in the nucleus of the cell. कोई भी organism लीजिए, आपका genetic material होता है present nucleus में. Okay, और उसी की वजह से आपके characteristics आपको देखने को मिलते हैं. Moving on. Now, in this genetic material, okay, your DNA and RNA molecule, what makes it as a genetic material? Your genes, okay? Your genes present on DNA and RNA. आपके genes present होते हैं DNA और RNA में. You understand? और ये जो genes होते हैं, ये उसका एक specific form होता है, जिसकी वजह से वो parents to उनके offspring, okay? From your, you can say it is produced from your parent tissue, or you can say parent organism to your, you can say your offspring or new individual. ये आपको सबको पता है. Now heredity means what? ये सारी चीजें तो आपको पता है. Now heredity means the same thing which I am explaining you from your start, from the starting of this class. मैंने आपको starting से क्या बोला है? जो भी आपके characteristics होते हैं, वो आपके repeated, या बोल सकते हैं हम, वो transfer होते हैं आपके parent to offspring. So this is because there is some genetic material, and this process is only called as hereditary. और यही हम किस चीज में लर्न कर सकते हैं? आपका जो सबसे पहला साइंटिस्ट, the first scientist to bring this concept of genetics or genetic material was Gregor Johann Mendel. So he gave the concept of heredity, trait and inheritance. Hereditary, trait and inheritance. Trait यानी क्या? एक characteristic. It can be anything. Shape, structure, color, size, or you can say nature, or physical, you can say appearance. Everything. It can be anything related to it. आपकी कुछ जो आपका बोल सकते हम, internally भी अगर कुछ आपके process होते हो, जैसे कि you can see some people, पहले से उनके अंदर ऐसा होता है कि उनके जो पैंक्रियाज में इंसुलिन जो सीक्रेट होना चाहिए, वो सीक्रेट पहले से ही कम होता है. तो दिस इज नॉट, इट कैन कम फ्रॉम योर पेरेंट्स,